प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। पार्टी से लेकर संगठन में महिला प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए भाजपा लगातार रणनीति बना रही है। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका सकता है। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली दरबार से लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक पंडितों की ओर से महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा की जा रही है। ऐसे में वह कौन कौन से नाम होंगे जिनको मध्य प्रदेश की बागडोर मिल सकती है, इसको लेकर भी चर्चा तेज है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संगठन ने सारी कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन वो कौन होगा और कौन से नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सांसद से विधायक बनी प्रीति पाठक का नाम भी आगे चल रहा है। इस बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। वीडी शर्मा ने साल 2020 में मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली थी, जिसके बाद वीडी शर्मा का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। उपचुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, जिसके लिए संगठन की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने अलग अलग फॉर्मूले तैयार किए हैं, जिसमें महिलाओं और जातिगत समीकरणों पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में नरोत्तम मिश्रा से लेकर रामेश्वर शर्मा का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार चौंकाने वाले फैसले लेती रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के मामले में बीजेपी चौंका सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। इस बार संभावना है कि मध्य प्रदेश में पार्टी की कमान किसी महिला चेहरे या आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले चेहरे को सौंपी जा सकती है। महिला चेहरों की बात करें तो बुरहानपुर से विधायक और पार्टी की वरिष्ठ नेता अर्चना चिटनिस, सागर से सांसद लता वानखेड़े के साथ सीधी विधायक और पूर्व सांसद प्रीति पाठक का नाम लगातार चर्चाओं में है। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए कोई ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, वहीं बीजेपी आदिवासी चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें कि उनके अलावा रामेश्वर शर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आदिवासी चेहरों की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति से भी बनाया जा सकता है, ऐसे में लाल सिंह का नाम भी लगातार आगे चल रहा है। लाल सिंह इस बार गोहद से विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन लगातार दो चुनाव हारने के बाद भी वे संगठन में सक्रिय हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवास सांसद महेंद्र सोलंकी का नाम भी शामिल है। फिलहाल बीजेपी ब्राह्मण चेहरों से लेकर ओबीसी, आदिवासी और अनुसूचित जाति के चेहरों के अलावा महिला चेहरों पर भी दाव लगा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मध्य प्रदेश भाजपा की कमान कौन संभालता है। क्या वह रीति पाठक होंगी या नरोत्तम मिश्रा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन नामों में से या इन नामों के अलावा मध्य प्रदेश भाजपा की कमान कौन संभालेगा?